अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूट्यूब पे चलने वाले एक बहुत ही अहम मसले के बारे में, जो कि रिपीटेटिव कंटेंट है जिसकी वजह से बहुत से चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आप भी रिपीटेटिव कंटेंट से बचना चाहते हो और अगर या फिर आपके रिपीटेटिव कंटेंट जो है उसकी वजह से चैनल डिमोनेटाइज हो गया और आप उसको दोबारा मोनेटाइज करवाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरी देख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख लो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है यूट्यूबर्स के साथ वो है रिपीटेटिव कंटेंट, जिसकी वजह से बहुत से चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं। तो जैसे ही किसी का चैनल डिमोनेटाइज होता है तो वो चैनल को स्किप करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है और उस पर वर्किंग करना छोड़ देता है क्योंकि उसको ये चीज़ बेकार लगती है। जब इनकम नहीं आती है तो फिर जाहिर सी बात है मेहनत जो है वो बेकार जो है वो लगती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका चैनल जो है वो दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा और आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक चैनल है जिसपे रिपीटेटिव कंटेंट का जो है वो स्ट्राइक आया हुआ है, इशू आया हुआ है और ये चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पे हम अपील कर सकते हैं लेकिन क्योंकि पहले से अपील हो चुकी है तो दोबारा से अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चैनल दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ करके फिर हमें अप्लाई करना है जिसके बाद जो है हमारा चैनल मोनेटाइजेशन इसकी ऑन होगी। तो मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा आपको बड़े ध्यान से इनको सुन लेना है और वो जो चीज़ें होंगी या उस तरह की जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी आपको उनको हटाना है, उनकी जगह पे नई चीज़ें लाना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिपीटेटिव पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी यूट्यूब इन्फॉर्मेशन मुझे दे देता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे मेरा चैनल जो है दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा और क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल किस तरह की वीडियोज़ बनानी है और किस तरह की वीडियोस नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी है। तो मैं उर्दू में आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो YouTube कहता है कि आपका इंट्रो आउट्रो दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन जो आपका मवाद है वो वाजिया तौर पे हर वीडियो से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी आपका टॉपिक है आप इस तरह का टॉपिक चुनो अभी के टाइम पे यूट्यूब पे जिसमें आपकी हर वीडियो डिफरेंट हो। ठीक है, अगर आप कोई भी वीडियो क्रिएट करते हो तो उसका जो सेंटर वाला मवाद है उसमें वाजिया फ़र्क नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सेम बनाते भी हो तो वो महीने में एक आपने एक्स्ट्रा और वीडियो डाल दी लेकिन उसमें भी इस तरह का रद्दबदल करें कि उसमें वाजिया लगे कि ये पहली से डिफरेंट है या अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको अपनी हर वीडियो को दूसरी वीडियो से जो है मुख्तलिफ रखना है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन उसका जो मवाद है वो भी सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आपको इस तरह का टॉपिक जो है वो चुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही है कि आपका जो मवाद है वो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब आप अब हम आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो इन चीज़ों के मसाले दिन से रकम कमाने की इजाज़त नहीं है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत से दोस्त जो होते हैं ना वो टेम्पलेट एक उठा ली यूट्यूब गूगल से, जैसे कि पीडीएफ की कोई फाइल उठा ली है, कोई न्यूज़ उठा ली है, किसी से कहीं से कोई आर्टिकल उठा दिया है, उसकी स्लाइड्स बना के चला दी, उसको पढ़ दिया। ठीक है, ये तरीका कार गलत है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको लाजमी तौर पे रिपीटेटिव कंटेंट का जो है वो इशू आएगा या रीयूज्ड कंटेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, सेम है। ठीक है, आप अगर ऐसा करोगे तो भी ये तरीका कार गलत है और वो आएगा। आपको कुछ भी अगर इंटरनेट से उठाना है तो आप उसको सिंपल एक दफ़ा रीड करो और उनको अपने अल्फाज में बयान करो। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप बहुत से देखिए दोस्त होते हैं पीछे स्लाइड्स चला रहते हैं ना, जैसे वीडियो के पीछे एक स्लाइड चल रही है, पिक्चर्स चल रही हैं या पीडीएफ फाइल को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं और साथ में मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसा भी ये भी चीज़ गलत है, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो है कुछ ना कुछ अपना ऐड करना है, कोशिश करें कि अपने फेस को ऐड कर दें,
अगर फेस को ऐड नहीं कर सकते तो आपको जो वीडियो है वो बहुत ही वाजिया तौर पे बनानी चाहिए, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि जो YouTube है उसको लगे कि ये जो आपका जेन्युइन कंटेंट है, ठीक है। तो आपको PDF फाइल जो उठानी है, अगर उठानी है आपको, तो उसको भी आपको अपने अल्फाज में जो है वो रीड करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से, नहीं पढ़ देना है, नहीं तो आपको रिपीटेटिव कंटेंट का जो है वो इशू आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है कि आपने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इस तरह का मवाद जो आपने खुद से नहीं बनाया है और आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो उस पर भी आपको रिपीटेटिव कंटेंट आ जाएगा। इसके अलावा बहुत से दोस्त हैं जो टिकटॉक या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क से शॉर्ट्स उठाते हैं, उन पर म्यूजिक वगैरह ऐड करके उनको दोबारा YouTube पे अपलोड कर देते हैं, तो ये भी तरीकाकार गलत है। इस तरह से भी आपको फ्रेंड्स रिपीटेटिव कंटेंट का इशू आएगा और आपका चैनल जो है वो डीमोनोटाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या YouTube पे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो फ्रेंड्स आप मेरे से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।